गांव के विकास के बिना देश और प्रदेश के विकास की कल्पना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज गांव के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं। गांव का आदमी शहरों की ओर न निकले, इसके लिए उसे ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं घर द्वार पर मुहैया करवानी चाहिए। इससे शहरों पर पड़ रहे बोझ को कम किया जा सकता है, वहीं शहर भी साफ सुथरे होंगे। उन्होंने कहा कि गांव का आदमी शहर क्यों जाए अगर उसके यहां अच्छे संस्थान और सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू कर ऐतिहासिक कदम उठाया। हिमाचल की अधिकांश सड़कें उसी योजना से जुड़ी हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, किसानों और बागवानों की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अब जीरो बजट खेती की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भी किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जीरो बजट प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जहां सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, वहीं पर पंचायती राज संस्थाओं को हर पंचायत में कुछ गांव मॉडल के रूप में जीरो बजट खेती के लिए विकसित करने होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से व्यंग्यात्मक लहजे से कहा कि जीतने के बाद सब नेता बन जाते हैं, ऐसे में नेताओं को कुछ भी समझना बहुत कठिन होता है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान कई बार कहते हैं कि हम नेता हैं, हमें क्या समझाओगे, लेकिन मनुष्य को जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति नहीं छोड़नी चाहिए, इस स्वभाव को जिंदा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोस्टर प्रणाली से जहां पंचायती राज संस्थाओं में बारी बारी सबकी बारी आ जाती है, मगर दूसरी और पांच साल के लिए चुने गए नुमाइंदे अपने काम को पूरी निष्ठा से नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की अस्थायी व्यवस्था विकास की गति को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि कितनी बार प्रधान बने ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक बार ही अपनी छवि बनाए तो वर्षों तक याद रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों का जल सूख रहा है, सर्दियों के मौसम में बर्फबारी न होने से पेयजल स्रोत सूख रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग समय की जरूरत है। पंचायतों को इस दिशा में भी आने वाले समय में काम करना होगा, इसके सिवाय अब कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने पंचायत प्रधानों को विकास कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखने की बात पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा न होने पर वर्षों पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवालिया निशान लग सकता है, प्रदेश की जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में जितनी भी योजनाएं हैं वह पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश खुला शौच मुक्त राज्य बनने का गौरव हासिल कर चुका है, जबकि मंडी जिला स्वच्छता के मामले में हमेशा आगे रहता है, लेकिन अब प्रक्रिया नियंत्रण जारी रहने चाहिए। मंडी के अलावा पूरा प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बीडीसी सदस्यों के मानदेय को पंचायत प्रधानों के बराबर 4,000 रूपए करने और जिला परिषद के मानदेय को भी सुधार करने की घोषणा की। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार रखे। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पहले भी थी कोशिश की, लेकिन उसके बाद हम उतना नहीं कर पाए। हमने उसी दिन निर्णय किया कि अगला जो पंचायत का चुनाव होगा उस पंचायत के चुनाव में हम सबसे पहले एक ही काम करेंगे कि पंचायत के इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि की सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग विभाग में क्या करता है, किस प्रकार से काम करता है, पूरा मॉड्यूल बना करके पूरा आपका सिलेबस बना करके तैयार करें। नहीं तो क्या होता था, जब उनका जाने का वक्त होता था, 5 साल का कार्यकाल होता था, तब उनको कहा जाता था कि आओगे आपको ट्रेनिंग करने के लिए, आपको शिमला जाना है। ठीक है, ट्रेनिंग बीच बीच में होती रहती थी, लेकिन ट्रेनिंग तब शुरू होती थी जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। तो हमने इस बात की व्यवस्था को बदलने की कोशिश की और उस व्यवस्था को बदलने के साथ साथ मुझे इस बात की खुशी है, उसका सार्थक परिणाम हुआ। पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि एक तरफ से शब्द देता है, दूसरी तरफ से अपने दायित्व के प्रति जो है वो दायित्व बोध का जो ज्ञान होता है उसको बढ़ाया जाता है कि पंचायती राज एक्ट के मुताबिक आपकी ये शक्तियां हैं, ये प्रावधान है, आपको पंचायतों में विकास कार्य को इन योजनाओं के माध्यम से काम करना है,
लोगों की सेवा करनी है तो ये जानकारी का भाव उनको तुरंत मिल जाएगा। जिम्मेवारी है प्रदेश की जनता का पैसा सही उपयोग होना चाहिए, जिसका दुरुपयोग सही किसी तरह से नहीं होना चाहिए, इस बात को हम सुनिश्चित करने की हम कोशिश करेंगे। और बाकी सारी चीजों को देख सकते मुझे आप सुने वो प्रतिनिधि हैं और चुने वो प्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, मैं भी आपका सम्मान करता हूं और आप भी चुने वो प्रतिनिधि होने के नाते जो है हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी समस्याएं एक जैसी हैं, उन समस्या के समाधान के लिए हम लोग मिल बैठ करके काम करना चाहिए और सहयोग करें सब लोग एक दूसरे का, तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में हम विकास को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं।